हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मसालेदार चीज मैगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये एकदम तीखा, चटपटा, चटकारेदार मैगी इस बारिश के मौसम में आप बना करके जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वेजिटेबल मैगी जरूर पसंद आने वाली है। तो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। मैगी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से लाल हो जाने दूंगी। जब जीरा अच्छे से लाल हो जाए, फिर इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ कांदा, बारीक कटा हुआ गाजर। तो यहाँ पे मैं 1 बारीक कटा हुआ कांदा ली हूँ, और 1 बारीक कटा हुआ गाजर ली हूँ, और 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची ली हूँ, और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ली हूँ, और 1/2 कटोरी मटर ली हूँ, और 6 से 7 हरी मिर्ची ली हूँ। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसे चला लेना है। इतनी सारी वेजिटेबल डाली हुई हूँ तो इसमें मिर्ची डालना तो ज़रूरी है, तभी चटपटा तीखा बन करके तैयार होगा मैगी। तो अब सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके इसे ढक दें। ढक करके इसे 1 मिनट के लिए स्लो आंच पे भून लें। 1 मिनट अभी हो चुका है, अब मैं इसे खोल करके वापस से इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें डाल देती हूँ मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसे ढक करके 1 मिनट के लिए पका लें। अगर आप मैगी मसाला बना रहे हैं तो आप इस तरह से मैगी में मसाला ज़रूर डालें, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मैगी का। मैगी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब्जी एकदम अच्छे से मुलायम, नरम, सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी, और यहाँ पे मैं 1 पैकेट मैगी के लिए 1 गिलास पानी डाली, यानी 500 ग्राम में पानी डाली। अगर आपको जूसी करना है तो आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और स्वाद के अनुसार इसमें मैं नमक डाली हूँ, और डाल देना है 1 पैकेट मैगी मसाला। मसाला डाल करके इसे बॉईल कर लेना है। इसमें मैं अभी मैगी नहीं डालूंगी, जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें मैं मैगी डालूंगी। तो अभी इसमें उबाल आ चुका है, अब मैगी मैं डाल देती हूँ, और डाल करके इसे चला लेती हूँ, और चला करके इसे ढक देती हूँ मैं। अभी मैं इसे खोल करके चला लेती हूँ, और इसी तरह से बीच बीच में ढक करके चलाते हुए इसे पका लेना है। एकदम नरम, सॉफ्ट कर लेना है मैगी को। मैगी अभी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मैगी बनकर के रेडी हो चुका है। तो गैस को मैं कर देती हूँ बंद, और इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो लीजिए, गर्मा गर्म मैगी बनकर के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर डाल देना है चीज़। यहाँ पे मैं 1 क्यूब चीज़ ली हूँ, आप चाहे तो 2 क्यूब भी ले सकते हैं, या फिर आपको जितना पसंद है आप उतना चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चीज़ को कद्दूकस कर लेना है। चीज़ अभी कद्दूकस करके हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पे डाली हूँ 1/4 चम्मच, और ऑरिगेनो डालूंगी मैं 1/4 चम्मच। ऑरिगेनो डालने से मैगी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चीज़ मैगी बनकर के तैयार है, तो आप भी इसी तरह से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।